हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट बदल गई है। करनाल के मौजूदा विधायक नायब सिंह सैनी इस बार लडवा सीट से किस्मत आजमाते नजर आएंगे। नायब सिंह सैनी के राजनीतिक करियर का ये पांचवा चुनाव है, वहीं सीट की बात करें तो ये चौथी है। करनाल के मौजूदा विधायक नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के सांसद भी रह चुके हैं। इससे पहले वो नारायणगढ़ के विधायक थे। नायब सिंह सैनी के राजनीतिक करियर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। 2009 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उन्हें महज 8,082 वोट मिले थे। 39 साल के सैनी पांचवें स्थान पर रहे थे। कांग्रेस के रामकृष्ण ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार की हार के बावजूद बीजेपी का नायब सिंह सैनी पर भरोसा कायम रहा। पार्टी ने 2014 में फिर से उन्हें नारायणगढ़ से टिकट दिया। सैनी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरे। 5 साल में उनका वोट प्रतिशत 31% बढ़ गया। 55,931 वोट हासिल कर वो नारायणगढ़ के विधायक बने। इस जीत से बीजेपी में उनका कद बढ़ गया और मनोहर लाल खट्टर की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। सैनी को इसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। पार्टी ने 2019 में उन्हें कुरुक्षेत्र में प्रत्याशी बनाया। नायब सिंह सैनी ने इस बार भी अपने प्रदर्शन से बीजेपी को जश्न मनाने का मौका दिया। सैनी को यहां पर 6,88,629 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के निर्मल सिंह को हराया। नायब सिंह सैनी ने 3,00,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी की सियासी जिंदगी में सबसे अहम दौर 2023 में आया। ये वो साल था जब सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। साल बदला और सैनी ने सफलता की नई कहानी लिखी। 12 मार्च 2024 को पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। करनाल से आजमाई किस्मत। सांसद सैनी अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सीएम बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनना था। इसके लिए पार्टी ने उन्हें मनोहर लाल खट्टर के गढ़ कहे जाने वाले करनाल से लड़ाया। बीजेपी की सेफ सीट पर सैनी को जीत दर्ज करने में कोई मुश्किल नहीं हुई और इस तरह वो एक बार फिर विधायक बन गए। नायब सिंह सैनी के सामने अब नया टेस्ट है। इस बार उन्हें लडवा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। सैनी को एक बार फिर पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरना है। नायब सिंह सैनी को खुद तो जीत दर्ज करनी है, साथ ही उनके कंधों पर बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता दिलाने की जिम्मेदारी भी है। नायब सिंह सैनी को लडवा से तो टिकट मिल गया है, लेकिन उन्हें उम्मीद जताई थी कि उन्हें करनाल से लड़ाया जाएगा। सैनी से हाल ही में सवाल किया गया था कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि वो करनाल से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने लडवा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा को नकार दिया था। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि नायब सिंह सैनी लडवा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम सैनी ने बड़ौली के बयान को भी नकार दिया था। मुख्यमंत्री सैनी ने हंसते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को मुझसे ज्यादा जानकारी है, क्योंकि पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, उनके नाम केंद्रीय नेतृत्व को बताने का काम प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने किया है।